कि अब ये देखें क्या है? ये आपकी सोर्स प्रोग्राम था इस सोर्स प्रोग्राम को असल में क्या किया जी टारगेट प्रोग्राम के अंदर हमने इसको क्या कर लिया जी कन्वर्ट कर लिया इसमें क्या है कंपाइलर इज प्रोग्राम प्रोग्राम दैट रीड्स ट्रांसलेट इन टू एक्वलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज दैट द टारगेट लैंग्वेज यानी कि कंपाइलर हमारा क्या कर रहा है असल में इसका मेन टारगेट जो है वो क्या है जैसा कि ये मैंने रेड में किया है कि सोर्स प्रोग्राम को इसने क्या करना है कन्वर्ट करना है इनटू द टारगेट प्रोग्राम यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट कोड में और इन बिटवीन जो है ना हमारा ये क्या है कंपाइलर है जो कि इस इन दोनों चीजों का तालमेल बनाता है अब ये कहता है बिसाइड दिस वट इट डज अब आपके ख्याल में देखें अब ये क्वेश्चन होता है कि अब हमने ये तो सारा देख लिया है कि कंपाइलर क्या कर रहा है सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द टारगेट लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड हमारा टारगेट है उसके अंदर हमारे कन्वर्ट कर रहा है यानी कि ये तो उसका मेन पर्पज है क्या आप बता सकते हैं इसके अलावा भी कंपाइलर क्या करता है सही है हमें एरर्स के बारे में भी बताता है कि सिंटैक्स में कौन सा एरर आ रहा है तो अब ये अब ये जैसे कि अगर इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन बताता है और ये कंपाइलर एट अ टाइम सारा कोड कंपाइल करके तो फिर डिफरेंस तो तो है।, है ना बिसाइड मेन फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं ना कि एक तो प्रोग्राम को लिया और उसने अपने टारगेट प्रोग्राम में जो है ना कन्वर्ट कर दिया इसके अलावा काम होता है कंपाइलेशन और दूसरा जो, जो काम आप बता रहे हो उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन तो ये ना सिर्फ कंपाइलेशन करता है बल्कि क्या भी करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है यानी कि एक होता है कंपाइलेशन में तो वो में चला गया ऑब्जेक्ट कोड के बाद फिर आपने उसको क्या करना होता है RAM में लाके चलाना होता कहते हैं जी अब ये कहता है उसको तो जी। जी इसके अलावा जो यानी जो मेजर डील है ना वो तो छोटे मोटे से डिफरेंसेस हैं प्रोग्राम्स हैं तो लेकिन जो मेजर इसका काम क्या होता है सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है और उसके दौरान कि कोई जो एरर्स आती हैं उनको भी ये ये क्या करता है वो आपको जो है ना वो साथ साथ आपको बताता है कि ये इस लाइन पे ये वाला जो है ना इसमें एरर है मसला है तो वो फिर आप उसको क्या करते हो वो आप उसको बताते हो अच्छा जी अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बच्चे यूज होती हैं कंपाइलर आर समाइम क्लासीफाइड एज ए सिंगल पास मल्टी पास या डिबिंग डिपेंडिंग अपॉन और हाउ दे है तो एक्चुअली ये ज्यादातर इसकी दो रहे होते हैं कि किस, तरह कि ये किस तरह से इनको बनाया गया है ये आगे ना हम थोड़ा सा ना इसके ऊपर पड़ा डिटेल से थोड़ा सा इसमें ना आगे आ, आ रहे हैं स्लाइड्स के अंदर की सिंगल पास कंपाइलर कौन से होते हैं और मल्टी पास कंपाइलर जो है ना वो न, न, क्या होते हैं ना तो उसके ऊपर हम ना काफी सारा स्पेट थोड़ा

लेकिन उनका जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ना वो रिमेन द सेम रहेगी यानी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन उनकी जो मेन परपज है ना वो क्या है वो देखिए कंपाइलर है चाहे इंटरप्रेटर है देखिए दोनों का जो मकसद है ना वो मकसद सेम है कि वो उनका ना मे, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है यानी कि अगर एक क्या कर रहा है एज ए होल पूरे प्रोग्राम को लेता है और उसको कंपाइल करता है एक क्या कर रहा है इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन जो है ना वो क्या करता है आपके सोर्स कोड को लेता है और उसको क्या करता है जी कंपाइल uh, करता है लेकिन दोनों का मकसद क्या है वो कंपाइलेशन ही है ठीक है मोड उसका डिफरेंट हो सकता है अब इसके साथ-साथ बच्चे को ना ना पैरेलल टर्म इस्तेमाल होगी डीकंपाइलर की ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये क्या कहता है प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट फ्रॉम लो लेवल टू तो हाई लेवल वन इज अ डीकंपाइलर देखें अब ये जितना बच्चे कंपाइलर है ना कंपाइलर क्या करता है आपके सोर्स प्रोग्राम को लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है टारगेट प्रोग्राम में यानी कि लो लेवल वो प्रोग्राम के अंदर या उसको टारगेट प्रोग्राम कह सकते हैं लो लेवल प्रोग्राम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में कह सकते हैं मशीन कोड में कह सकते हैं ये सारी चीजों को हम उसको में अंदर उसका नाम दे सकते हैं लेकिन जो डीकंपाइलर है देखें जैसा कि वो इंडिकेट कर रहा है ये क्या करता है ये आपके लो लेवल को पकड़ता है और

किसी की एग्जी फाइल है उसको पकड़ना है और उससे पकड़ के सोर्स कोड की तरफ जाना है कि उसके क्या समवन इंटरनल्स uh, क्या उसने लॉजिक जो है ना वो इस्तेमाल की है तो ये कोई ईजी काम नहीं होता ये काफ़ी सारा मुश्किल है यानी कि ये कलहदा से साइंस है पूरी जिस तरह कंपाइलर की लहदा से फेजेस हैं ना फेजेस में वो जो है ना कंपाइल करता है वो और हमारा टारगेट जो है इस का वो यही है कि हमने वो सारी फेजिस के बारे में देखना है या उसका कम से कम इंट्रोडक्शन लेना है कि कौन सी फेज क्या काम कर रही है और किस तरह से सोर्स कोड को वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रही है तो डीकंपाइलेशन भी एक बहुत बड़ा फील्ड है एक सारा ये डीकंपाइलेशन है जिस तरह से कंपाइलेशन का सारा अमल होता है इसी तरह डीकंपाइलेशंस की मुख्तलिफ फेजेस में जो है ना वो क्या करता है वो जो है क्या करता है ना उसमें कन्वर्ट किया जाता है उसको हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर ठीक है तो थोड़ी सी और भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये काफी सेंसिटिव काम भी होता है कि इसको डिकम्पाशन करना और इजी काम नहीं होता ये इट कैन बी यूज फॉर द रिकवरी ऑफ द लास्ट सोर्स कोड एंड इट इज आल्सो यूजफुल इन सम केसेस फॉर एरर एरक्शन अब ये देखें बाजा ये क्या होता है कि अगर आपने मस केस में होता है कि अगर आपने कोई आपने सोर्स कोड आपके पास था ठीक है ना वो आपसे सोर्स कोड गुम हो गया है लेकिन आपके पास सिर्फ उसकी एग्जी फाइल मौजूद है तो वो फिर कहता है उस एग्जी फाइल्स को हम एक्चुअली वो डीकोड करते हैं और उसको जो है ना देखना चाहते हैं कि ये जनाब इसमें सोर्स कोडिंग इसकी क्या थी तो वहां तक हम इसको ना लेके जाते हैं इन केस ऑफ द वेंडर ऑफ द सॉफ्टवेयर लूज इट्स सोर्स कोड दे कैन यूज अ डीकंपाइलर टू रिकवर द सोर्स कोड फ्रॉम द तो कि है वो क्या करता है सोर्स कोड की तरफ जाने की कोशिश करता है हमारे पास अगर सिर्फ फाइल है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो हम उसे सोर्स कोड में लाना चाहते हैं बट सर आजकल तो मोस्टली जैसे कि एंड्रॉइड हो गया तो वो मोस्टली ये करते हैं कि जो हमारा

तो वो क्या कहता है कि ये नहीं की मैंने आपको पहले कहा ना कि ये एक सेंटेंस में कहना इसको जो है ना वो आसान है लेकिन मुश्किल है क्योंकि ये आप जो है ना इसकी ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी अभी अगले लेक्चर्स में ना ये अभी अगली स्लाइड्स में आ रही हैं वो हम डिस्कस देख करते हैं वो कहते हैं डीकम्पाइलेशन आप कर तो लेते हैं ठीक है, है? लेकिन डिकम्पाइलेन के कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं कुछ ले खासतौर पर जब आप इंक्रिप्शन करते हो ना डिक्रिप्शन होते हैं ना तो ये आपकी जो है ना थोड़ी सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जा जाती हैं बीच के अंदर क्या आप ना किसी की एग्जी फाइल अभी भी अगर आप देखते हैं अगर आप अगर अल्लाह करें हाउस कि को ज्वाइन करते हैं आप में से बहुत सारे लोग होते हैं इधर उधर होते हैं तो जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले भी होते हैं ना जब वो आप उनसे बनाते हो ना प्रोग्राम बनवाते हो तो वो आपको सोर्स कोड नहीं देते वो आपको सिर्फ एग्जी ही फाइल देते हैं और उसके अगर कोई मसला आ जाए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उनके साथ लहदा महदा करते हैं वो कि आपने वो ही उसको क्या करते हैं रेक्टिफाई करते हैं और अगर आप उनकी एग्जी को पकड़ के उसके अंदर वो देखना चाहो कि यार क्या लॉजिक लगी हुई है क्या लगी हुई है तो ये ये एक, जो है आ, है, है ये जो है 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 ना ना अनएथिकल काम काम होता होता इलीगल वाली चीज इस चीज को करना तो इसी चीज को रोकने के लिए फिर ये जै, जैसे अब आपने आप बताई ये बात है तो वो क्या करता है इंक्रिप्शन लगाते हैं कि ताकि कोई उसको डीकम्पाइल ना कर ले डी का मतलब ही यही है कि डीकम्पाइल करके वो टू नो द इंटरनल्स एल्गोरिदम uh, के वो देखना चाहते हैं कि वो कब होते हैं तो इसकी भी कुछ कंडीशन है वो जो आगे स्लाइड में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस सूरत में आप डिकम्पाइलेशन कर सकते हो और किस सूलतों में आप डिकम्पाइलेशन नहीं कर सकते हो और उसके अंदर काफी सारे प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को आपने क्या करना होता है टेक ओवर करना होता है उनको आपने हैंडल करना होता है जिस तरह बच्चे अब ये कंप्यूटर है, है अब आपके पास देखे ना इसका एंटी वायरस होता है तो अब ये देखें जो वो लोग होते हैं जो वायरस बनाते हैं तो वो भी एक मशीन को आपका वो जो है ना कोड ही होता है ना सॉफ्टवेयर ही होता है आपका लेकिन वो क्या कर रहा होता है फॉर नेगेटिव पर्पज के लिए होता है और आपकी वो ऐसे लूप होल को पहले तलाश करता है कि जहां पे वो उसपे क्या कर सके वो अटैक कर सके ठीक है ना तो यानी कि वो चीजें इसी तरह ये डीकम्पाइलेशन भी जो है ये काफी सारा सेंसिटिव काम होता है

कि C++ के सी प्लस प्लस अंदर लिखा हुआ है और कहता है कि जावा से ज्यादा ये जो है ना काम करता है और ये क्या करता है फ्री फॉर नॉन कमर्शियल यूज है बट अब ये जो इतने वर्जन से ना ये अब जो है ना फ्री नहीं रहा है और ये करता है यानी कि ये क्या कर देता है ये आपको थोड़ा सा डीकम्पाइलेशन के अंदर जो है ना वो मदद देता है आपको ये यानी कि बिल्ट इन टूल है अच्छा का मैंने आपको यही बताया है।

तो हंड्रेड परसेंट तो उस तरह से नहीं वो ये लेके जा सकता आपको लेकिन आपको ना इंटरनल आपको जो है ना वो बता देता है तो ये कहता है, है ना वो लिखा गया जाता है और कहता है कि जावा वाले जो है ना वो कंपाइलर से ना ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और ये कुछ इसका वर्जन बताया से पहले जो था ना वो आपका नॉन कमर्शियल यूज के लिए भी इस्तेमाल होता था फ्री था लेकिन अब जो है ना ये आपको आपके नो लांगर फ्री है आपको इसको कमर्शियल यूज के लिए आपको इसको पैसे देने पड़ते हैं और फिर आपको करते। डी ये आपको काम ये बच्चे आपको ना इसमें एथिक्स भी बताएगा इसके मॉरल इखलाकी है आपको बताएगा कि देखें इसका सवाल ही यही है ये जो आपने किया ना कि इसम्पायलेशन लीगल एंड इट इज अलाउड तो अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या डीकम्पाइलेशन लीगल है कानूनी है और क्या ये अलाउड है तो अब नहीं ये बच्चे तीन चार आपके पास ना वो कह रहा है काफी सारी ना सिचुएशन है अब पहले ये बताएगा जी आपको सिचुएशन बताएगा कि किन सिचुएशन में आप डीकम्पायलेशन लगा सकते हैं ठीक है ये डीकम्पायलेशन वाला काम कर सकते हैं फिर उसमें बताएगा कि कौन सी सिचुएशन में लीगल है और कौन सी सिचुएशन में वो लीगल नहीं है तो यही आपके क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर है इस तरह से कई प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि ये किताब बड़ी अच्छी है बच्चे के बाद हम उस टेक्नोलॉजी को पढ़ा देते हैं लेकिन जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है ना उसके एथिकल इश्यूज भी डिस्कस करने होते हैं कि वो क्या वो कानूनी तौर तो पर भी ठीक है या नहीं है अगर आप देखें ना अब एक वायरस है अगर आप वायरस को जो बनाते हैं लोग अब क्या समझते हो वो वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना बस वो मेलाफाइड ही है ठीक है तो वो अब देखें वो कहेंगे नहीं जी आ, ये जो हमने वायरस बनाया तो ये तो ये भी सॉफ्टवेयर है आप भी तो दूसरे भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमने भी ये सॉफ्टवेयर बना लिया तो इसमें क्या हर्ज जाए तो वो क्या है फायदा यानी कि वो हार्म के लिए अगर आपकी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कोई किसी का डाटा चोरी करने के लिए प्रॉब्लम करने के लिए तो वो इलीगल हो जाएंगी ठीक है और अगर उसको पॉजिटिव सेंस के लिए आपने यूज करना है तो वो फिर आपकी वो लीगल बन जाती है डॉक्यूमेंट बन जाती है ना तो ये बड़ा एथिक्स उसकी जो है ना किसी चीज को आपने इस्तेमाल कर लिया है आपको जान गए हैं आप उस वो टेक्नोलॉजी को जान गए हैं लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी मैंने किस किस सिचुएशन में लगानी है और किस सिचुएशन में नहीं लगानी तो वो चीज़ है तो अभी ये अपने हमने में सिर्फ इतना पढ़ लिया कि यार लियान क्या करती है कि किसी क्या ये लीगल है और क्या ये अलाउड है तो अब हम ये चार केसेस पड़ेंगे जिसके अंदर हमें ना मुख केसेस पहले तो ये बताएगा कि यार ये केसेस के अंदर हम डिकम्पाइलेशन लगा सकते हैं तो लेकिन अभी अपने जहनों में वो इसका इमेज नहीं बना लेना जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता टॉपिक के वो पहले अभी हमें चार केसेस वो बताएगा कि जिनके अंदर हम डिकम्पाइलेशन कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर हम उसको देखेंगे कि लीगल भी है कि ऐसा करना या नहीं है अभी हम सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज लेते हैं कि इस सूरत में हम डिकम्पाइलेशन करते हैं तो पहली सूरत क्या है तो कहता टू रिकवर द लास्ट सोर्स कोड कहता हम अगर आप आपके पास कोई सोर्स कोड था लेकिन वो आपसे गुम हो गया लेकिन आपके पास जो है ना उसकी एग्जी फाइल पड़ी हुई है तो इस सूरत में आप क्या करते हो डम्पाइलेशन करते हो ठीक है लेकिन फिर ये आगे हम आगे चल के डिसाइड करेंगे कि ये जो चार सिचुएशन हैं इसमें कौन सी सिचुएशन में ये काम का, ऐसा करना लीगल है और ऐसे कम करने में इलीगल नहीं है तो अब ये कहता है यू हैवे रिटर्न ए प्रोग्राम फॉर विच आर यू यू ओनली हैव द एग्जीक्यूटेबल नाउ

ऑनर ऑफ द प्रोग्राम यानी कि आप इस प्रोग्राम के ऑनर थे आप यानी कि आप ही नहीं लिखा हुआ था आपका आपका था ये प्रोग्राम अब दूसरी, क्या, है जी? Computer, अच्छा जी, दूसरी क्या हो सकती है कि आपके पास एक अब पड़ी हुई एग्जी फाइल पड़ी हुई है और अब आपके पास सोर्स कोड नहीं है और आपने अब उसको ना एक नए प्लेटफॉर्म पे जो है ना उसको पोर्ट करना है ठीक है ना तो इस सूरत में भी आप उसको कर सकते हो कि जाहिर बात है आपको बस आपके पास एग्जी है और दूसरा प्लेटफॉर्म को या आपने उसके लिए यूज करना है तो पहले आपके पास सोर्स कोड होना चाहिए ताकि वो आप उसके सोर्स कोड तक जाओगे ताकि आपको प्लेटफॉर्म को आप चेंज करो आइदर यू हैव टू रीराइट एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच आर यूज अ डिकम्पालेशन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड राइट इट अगेन देखिए आपके पास दो सूरत हाल होती हैं आपने देखें आपके पास एक प्रोग्राम चल रहा था काफी अरसे से, अब वो ना टेक्नोलॉजी ओल्डर होगी है वो प्लेटफॉर्म आप चेंज करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप उसको नए सिरे से स्क्रैच करो यानी कि उस प्लेटफॉर्म से

कि आप देखें सिचुएशन आपने याद रखनी है फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा पहली सिचुएशन थी कि आप उस प्रोग्राम के ओनर हो और आपसे लेकिन आप उसके प्रोग्राम के ओनर थे लेकिन आपका सोर्स कोड लॉस हो हो गया है और आप लगा रहे ये पहला केस था दूसरा केस ये है कि आप के पास एग्जी फाइल है ओनर नहीं है आप उसके और जो है ना वो क्या कहते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हो कि क्या आप डी तो आप डी कर सकते हो या फ्रॉम स्क्रैच लिख सकते हो ये दूसरी पोजिश केस है

तो अब मसलन वो कहता है कि आपके ना किसी पुरानी लैंग्वेज में आपने ना जो है ना वो लिखा हुआ था तो वो अब उसका कंपाइलर कंपाइलर ही नहीं नहीं अवेलेबल है अब आपके पास उसका नहीं मिलता लेकिन आपके पास उसकी एग्जी फाइल मौजूद है तो फिर भी आप क्या कहता है डी कम्पाइलर लगा के उसको जो है ना दूसरी लैंग्वेज के अंदर आपने ना चाइस अप टू डे जो आपके पास है वो आप उस सूरत में भी आप उसको कर सकते हो ठीक हो गया अब चौथा पॉइंट है जी चौथा पॉइंट देखते हैं जी चौथा इसमें क्या पॉइंट है

ठीक है वैसे तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो हमारे लिए से ही वो प्रिंट कर, करते हैं ना पायरेटेड बुक्स को ना तो अदरवाइज ये वैसे इलीगल होता है ये ठीक है ना इफ यू आर यूजिंग आरेशन टू डिस्कवर द ऑफ प्रोग्राम एंड इफ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज ब्रेकिंग द कॉपी राइट ऑफ द ऑनर यू आर लाइबल फॉर लीगल एक्शन तो देखें कोई भी चीज अब आपने एक बता लेना है कि अगर आप उसके कॉपी राइट को ब्रेक break करोगे ब्रेकिंग द कॉपी राइट ऑफ द ऑनर यू आर लाइबल कहता तो वो कहता है कि ये जो चौथा है ना ये तो टोटली आपका इस तरह है लेकिन उसमें भी अगर आपने डिसाइड बस ये देखना है कि अगर तो वो कॉपी राइटेड है तो फिर आप नहीं कर सकते वो पहले तीन को फिर भी वो जो है ना वो कह रहा है कि आप कर सकते हो ठीक है ना फर्स्ट थ्री केसेस के अंदर आप उसमें कर सकते हैं लेकिन अगर वो कॉपीराइटेड है फिर भी आप बता रहा है तो आपका जो ये काम होगा वो इीगल होगा अब ये कहता है ऑफ ऑफ पार्ट सॉफ्टवेयर डू नॉट कम अंडर द लॉ इज परमिटेड इन एनी केस इट इज बेटर टू कॉन्टेक्ट योर लीगल एडवाइजर इफ यू आर डूइंग एनी सीरियस वर्क विद द विदेशन तो ये कहता है कि ये एक छोटा एक दो लाइनों से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये वाली चीजें हैं लेकिन अगर आपने कोई वाकई को सीरियस टाइप ऑफ ऑफेशन करनी है तो वो कहता है अपने पहले लीगल जो है ना एडवाइजर से उसको जरूर मशवरा ले लें और उसके बाद जाके आपने ये का जो है ना वो अमर लगाना है कि अब उसमें भी देख लें कि अगर वो जो पहले दो तीन केसेस हैं उसके अंदर है कि अगर आप ऑनर हैं तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं और अगर नहीं है क्योंकि उसमें अभी कोई कॉपीराइट का जिक्र नहीं किया गया तो जो अगर वो कॉपीराइटेड है और आपने उसमें लिया हुआ है तो अगर चाहे नए प्लेटफॉर्म पे भी आपने शिफ्ट करना है तो वो देखें अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी लॉजिक दी थी कि वो डिजाइन तो वो पहले वाले बंदे का ही हुआ हुआ है ना तो अगर आप उसके ऑनर नहीं थे तो वो आप कहते हो कि नहीं यार मैंने पहले इसको बनाया मैंने इसके पैसे दे दिए आप मेरे पास है अब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट मैं तो जस्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना चाहता हूँ लेकिन वो ऑनर तो नहीं है ना उसका तो वो फिर भी जो है ना वो क्या होगा वो इलीगल होगा तो इसलिए वो कहता है कि कोई भी सीरियस डीकम्पायलेशन लगाने से पहले आपने अपने लीगल एडवाइजर से लाजमन मशुरा ले लेना है या उसके वो अपने सॉफ्टवेयर की नेचर देखनी है किसने बनाने वाला है उससे आपने कंसल्ट कर लेना है तो फिर आपने डिकम्पाइलेशन